नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल रुचिर शर्मा द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अमीरों का लॉकडाउन से प्रेम गरीबों को महंगा पड़ रहा है। भारत की सख्त लॉकडाउन की रणनीति को संभ्रांतों ने तो सराहा है, लेकिन गरीब इनके असर सह नहीं पाए। आप लोग भी कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पर कई बड़े लोग, वो बड़े लोग जो जमीन से तो गिर चुके हैं नीचे, यानी कि उनमें इंसानियत कुछ भी नहीं है, बस एसी कूलरों में बैठकर बड़े बड़े कमेंट देते हैं सोशल मीडिया पर कि गरीबों के लिए मदद की जा रही है, वो घर से क्यों निकल रहे हैं। कभी उन्हें की जगह अपने आप को रखकर देखा करिएगा ना। मैं किसी की भक्ति करने से नहीं रोक रहा हूं, मगर इतनी भी भक्ति मत मत डूब जाया करिएगा किसी की कि अपने आप को पहचानना भूल जाए आप। इंसानियत आपकी क्या है उसे भी आप भूल जाए। इसे आप लोग कुछ पिक्चर्स देख लीजिए। ये ट्रेन पर दिख रहा है आपको, इन्हें कभी अपने इन पर के परिवार की जगह अपने आप को रख कर देखना। देखिए इनकी जगह कभी अपने आप को इन और इनके परिवार की जगह अपने परिवार को देखना। देखिए मरना सबको है, इसमें कोई शक नहीं। आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। दोहराया भी नहीं है कि तुम यहां जिंदा रह जाओगे। मैंने कभी ये नहीं रोका कि तुम कांग्रेस की भक्ति मत करिए, बीजेपी की भक्ति मत करिए, करिए भाई, लेकिन इतना तो सोचिए कि क्या करने जा रहे हो, सही क्या है, गलत क्या है। अब कई लोग लिख रहे हैं कि लॉकडाउन से बहुत अच्छा लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन अच्छा का मतलब समझते हो? मुझे पता है कि ज्ञानी हो तुम, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लॉकडाउन का पता है आपको? 2 महीने के करीब आपका लॉकडाउन लगा, जिसमें लॉकडाउन का मतलब सफल, इतना सख्त लॉकडाउन था भारत का कि अगर अच्छे से पालन होता तो केस ना के बराबर होते, खत्म हो जाते। अभी तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया जनता को, आपने खुद देखा होगा। तो फैल हुआ है लॉकडाउन, इसी कारण तो आज 2 लाख के पार पहुंच चुकी है जनसंख्या, आपकी कोरोना पॉजिटिव संख्या, ठीक है। और एक बात, अभी जो लोग मजाक में ले रहे हैं कि लॉकडाउन खुल गया और घूमने फिरने लगे हैं, वो इसको ना भूलें कि दिल्ली के 7 से 8 हजार और आज तो सबसे ज्यादा 9 हजार के करीब जन, यानी कि पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव संख्या पाई जा रही है। तो एक कोई कमी नहीं आ रही है, संख्या बराबर बढ़ रही है। इसलिए अपने आप को सेफ्टी रखें, अपने आप की और परिवार की अपने सेफ्टी रखें, वरना सभी जितनी समझदारी है वो धरी की धरी रह जाएगी। खुद तो डूबोगे, साथ में उस परिवार को भी ले डूबोगे जो बेचारा किसी ज्ञान के लायक नहीं है, ठीक है। और ज्यादा ज्ञान मत बांटा करिएगा। अब आप सोचिए कि आरटीआई फंड के बारे में आपने सुना है, पीएम फंड के बारे में, इसमें हर गरीब ने दिया है। पीएम फंड मतलब पब्लिक ने दिया है इसमें पैसा। अभी आरटीआई मांगी गई है किसी के द्वारा, पीएमओ ऑफिस ने मना कर दिया कि आरटीआई के अंडर में नहीं आता है। फिर आखिर आप ही सोचिए आरटीआई के अंडर में क्या आएगा, फिर तो कुछ नहीं आएगा। क्योंकि जब आप समझ रहे हैं कि जनता ने पैसा दिया, वो अगर आरटीआई के दायरे में नहीं आ रहा है तो क्या मतलब रह जाता है। मुझे लगता है कि सोनू सूद ने अच्छा किया। अब वो अगर वो करोड़ों रुपया भी पीएम फंड में दे देता तो शायद उसे इतना फायदा ना होता कि जनता घर ना पहुंचती, और जिन महान लोगों ने दिया है उनका पता भी नहीं चला कि पैसा कहाँ गया, किसे मिला। आप खुद जानते हैं ना, गरीब तो बराबर भूख से मरे। मैं ऐसे शहर में रहता हूँ जहाँ मुख्यमंत्री का निवास स्थान है। मैंने भी उस समय, मैं भूख से नहीं मर रहा था, फिर भी मैंने देखा कि मेरी कितनी सुनी जाती है। जब मेरी नहीं सुनी जाएगी तो फिर बाहरी जो गांव में लोग भूख से मर रहे हैं उनकी क्या सुनी जाएगी।
तीन बार मैंने कंप्लेन डाली थी, एक बार भी जवाब नहीं मिला था, याद रखिए। मुझे सिर्फ इतनी जानना था कि आखिर सही में ये मदद कर रहे हैं या नहीं। तो सब दिखावे का होता है, ठीक है। और 180 से 200 के करीब आपके मजदूर मरे हैं, गरीब वो लोग जो असहाय हैं, आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं है। बोलो, अगर आप में ज्यादा ज्ञान है तो कभी उनके परिवार की जगह अपने आप को रखिएगा। तुम्हारा क्या हाल होता है तब विचार कीजिएगा। और भगवान से डरिएगा, वो गरीब हैं इसलिए मर चुके हैं, हम अमीर हैं इसलिए मरेंगे। और हो सकता है कि उन्हें अच्छी मौत आई, हो सकता है ट्रेन पर जाते हुए काम खत्म एक बार में, लेकिन हम हो सकता है सड़ सड़ के मरें, पानी लेने वाला भी ना रहे कोई। इसलिए डरिए, भगवान की नजरों में देर है अंधेर नहीं। भक्ति करिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम कांग्रेस की भक्ति करिए, बीजेपी की भक्ति करिए, मैं कहता हूँ हर नेता की भक्ति करिए, क्योंकि आप भक्त बने ही हैं। इसलिए कांग्रेस आती है वो आपका माइंड ब्रेन कर देती है और वो घुमाती रहती है आपको, बीजेपी आती है उसके आप भक्त बन जाते हैं। सही गलत आप तक ना आज तक जान पाए, नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी की अंधभक्ति में अगर ज्यादा डूब जाते हैं तो हम सब कुछ सही गलत भूल जाते हैं, हमें उसकी अच्छाई दिखने लगती है। ठीक, तो चलिए इस आर्टिकल को देखते हैं। मैं किसी काम से भारत आया था, तभी प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की, जो दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन माना गया। उन्होंने 18 दिन की महाभारत कहानी करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ युद्ध जीतने में 21 दिन लगेंगे, 2 महीने से भी ज्यादा वक्त हो चुका है और मैं यहीं फंसा हुआ हूँ और दिल्ली स्थित अपने घर से बाहर नहीं जा रहा पा रहा हूँ। इनके पर्सनल विचार हैं इसमें, ठीक है, याद रखिए। इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि अगर लॉकडाउन लगाने से पहले मजदूरों को अगर घर भेज दिया जाता, सबको, कोई भी चाहे आपका कहीं भी फंसा होता इंडिया में, उन्हें अपने अपने घर भेज दिया जाता, उसके बाद मैं कहता हूँ 6 महीने भी लॉकडाउन लगा रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घर में सब अपनी व्यवस्था कर लेते हैं गांव में जाकर लोग। अब शहर में आप सोचिए कि 700-1200 किलोमीटर दूर जाकर कौन से क्या व्यवस्था कर पाएगा। एक लड़की का आपने सुना होगा, ज्योति नाम है शायद, वो दिल्ली नोएडा से शायद बिहार जाती है, 1200 किलोमीटर साइकिल चला के अपने बीमार बाप को पीछे बैठा कर चलती है। वो जब घर पहुंच जाती है तब लोगों को पता चलता है, नेताओं को, और नेता जागते हैं एकाएक नींद से। उससे पहले वो 1200 किलोमीटर में किसी ने उसे नहीं देखा, नेता ने। इतना याद रखिए कि इस समय कोरोना में जो संकट गरीबों पर छाया हुआ था, इसमें समाज सेवियों ने सबसे ज्यादा भाग लिया है। कोई नेता, कोई विधायक, कोई MP MLA, जो भी हो, मुख्यमंत्री, रोड पे आपको दिखा है लॉकडाउन के दौरान? अगर दिखाओ तो उसकी पिक्चर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए या फिर फेसबुक पेज पर मैसेज में भेजिए, मैं भी तो देख लूं। सब अपने घर में डर के बैठे रहे। एक सोनू सूद को देखिए, लगा रहा पता नहीं ये कौन कोरोना पॉजिटिव है, फिर भी उनके साथ घुल मिलकर रहा और अपनी भी सेवा करता रहा। इसी तरह के समाज सेवियों ने मेहनत की, तब जाके कुछ मजदूरों को देखिए, जिनकी हिम्मत है उतना, मतलब अब अपने दायरे से कोई ज्यादा नहीं कर सकता है, ये नॉर्मल सी बात है। अगर उस समय भेज देते, उसके बाद लॉकडाउन लगाते, तो उस समय कोरोना फैला भी नहीं था, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था वहाँ, 2-4, 10, 85 मरीज थे आपके यहाँ पॉजिटिव, तो उस समय कवर किया जा सकता था। लेकिन अब सोचिए, अब गांव भी जाने लगा है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। एक बात आप समझ सकते हैं, अगर कोरोना पॉजिटिव केस ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मिलने लगे तो फिर संभालना ऐसे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत है। मेरी पहली चिंता यह थी कि हमेशा की तरह भारत जन सुरक्षा बल कल्याण के लिए अमीर देशों के उपायों की नकल कर रहा है। मैंने जब बड़े उभरते हुए देशों के अधिकारियों से बात की तो किसी ने भी संपूर्ण लॉकडाउन का समर्थन नहीं किया, क्योंकि
क्योंकि नए बेरोजगारों को संभालने के लिए संसाधनों के बिना अर्थव्यवस्था को बंद करने का नतीजा भूख और मौत होगा। कुछ ही दिनों में लाखों प्रवासी मजदूर देश के बड़े शहरों से निकलने लगे। हजारों तो मेरे दरवाजे के सामने से गुजरे, ज्यादातर युवा पुरुष थे जिन्हें निर्माण कार्यों से या फिर घबराए हुए मकान मालिकों ने निकाल दिया। उन्होंने अजनबियों की दया पर जीने की योजना बनाई और सैकड़ों किलोमीटर दूर गांव में घर जाने के लिए पैदल चलते रहे। मुझे पूछना पड़ा कि सोशल डिस्टेंसिंग के बिना इनमें से कितने घर पहुंच जाएंगे। एक युवा ने कहा मुझे, इससे फर्क नहीं पड़ता, सरकार कहती है कि गंभीर बीमारी है, इसलिए घर जाने के अलावा क्या कर सकते हैं। समझ सकते हैं आप यहाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, पूरी तरह से होना चाहिए था। अगर आप सोचिए, इस समय तुम्हारे राम होते, श्री राम होते हमारे, तो क्या वो घर में बैठते? कभी ना बैठते, ठीक है, वो रोड पर जरूर निकलते। और आप सोचिए कि हमारे देश में इतने सांसद हैं, इतने विधायक हमारे हैं, अगर एक विधायक भी अपनी जिम्मेदारी निभाता, एक भी सांसद अपनी जिम्मेदारी निभाता, तो कोई मजदूर भूख से ना मरता, ना तो ट्रेन की पटरी पर आने की उसे जरूरत पड़ती, सब सही घर पहुंच जाते। लेकिन नेताओं ने किसी ने अपना धर्म नहीं निभाया, ये हकीकत है। नेता अपना काम करते रहे, वो खुद डर के घर में बैठ गए, ठीक है। तो नेता से ज्यादा हमारे समाज सेवियों ने हमारा भला किया है, गरीबों का। दिल्ली के उदारवादी संभ्रांत लंबे समय से मोदी की स्वच्छाचारी शैली और हिंदू केंद्रित एजेंडा के आलोचक रहे, लेकिन वे भी लॉकडाउन के लिए उनके पीछे चल पड़े। शुरुआत में सरकार ने कोरोना मरीजों को सरकारी अस्पतालों में भर्ती करने का निर्णय लिया, जिसे विशेष अधिकार प्राप्त लोग नर्क की तरह डरते हैं। एक दोस्त ने जब यह कहा कि वायरस भले ही तुम्हें ना मारे, सरकारी अस्पताल में तुम जरूर मर जाओगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है। इससे कोई नहीं छूटा हुआ है कि अस्पताल हमारे यहाँ के सरकारियों की क्या है। स्कूल देख लीजिए आप लोग, वही हाल स्कूलों के हैं कि जहाँ अगर बच्चे पढ़ें तो उन्हें हिंदी नहीं पढ़नी आती है सही से, सरकारी स्कूलों की यही हालत है। तो वह पूरी तरह मजाक नहीं कर रहा था। 3 हफ्तों के बाद सरकार ढिलाई वाले लॉकडाउन लाने लगी, लेकिन उच्च वर्गीय भारतीय सेलेक्स होने की जगह लॉकडाउन के जीवन को पसंद करना सीख रहे थे। उन्होंने नेटफ्लिक्स, जूम पार्टी, साफ आसमान, बच्चान के दृश्यों की तारीफ की। वे बंद पड़े चंडीगढ़ में घूमते चेते की तस्वीर देखकर अचंभित हो रहे, वह प्रकृति। जब मैंने अपने लिविंग रूम की खिड़की से कम्युनिटी स्टाफ के कमरे को देखा तो सोचा कि क्या 200 वर्ग फिट के कमरे में रह रहे 6 मजदूरों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के कोई मायने होंगे। भीड़ वाली परिस्थितियों में रहकर लॉकडाउन का कोई मतलब रह जाता। इस बीच सामान्य दिनों में अभिमानी और संकट के समय जरूरी भारतीय नौकरशाहों और पुलिस के लिए यह संकट जैसी खुली छूट का समय था। व्हाट्सएप पर आई कई वीडियो में पुलिस सड़क पर लोगों को बिना संतोषजनक कारण के पीटती, सजा भी देती। कई जगह पुलिस ने अपना अच्छा धर्म निभाया, लेकिन कई जगह पुलिस ने भी बेशर्मी दिखाई, याद रखिए, ठीक है। अप्रैल मध्य तक कई अमीर देशों में अर्थव्यवस्थाएं फिर से खोलने पर बहस होने लगी। अमेरिका में लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे, भारत में इस पर कम बहस थी, विरोध तो और भी कम था। सबसे ज्यादा प्रभावित गरीबों और बेरोजगारों ने अपनी दयनीय स्थिति को किस्मत बना मारकर स्वीकार कर लिया। ऐसा लग रहा था कि देश इस बात से अनजान है कि ज्यादा सख्त लॉकडाउन से आर्थिक नुकसान भी ज्यादा हो रहा है। कई देशों में महामारी मौत का सबसे बड़ा कारण बन गया, वही भारत में अब भी हर हफ्ते टीबी और डायरिया जैसे रोगों से ज्यादा मौतें होती हैं। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में फिर भी शहरी संभ्रांत वर्ग पर राजनीति का प्रभाव रहा है। वे सख्त लॉकडाउन का समर्थन करते रहे। मेरे एक दोस्त ने कहा, अगर सरकार प्रतिबंध हटा देती तो लाखों निरक्षर भारतीय सड़कों पर उतर आएंगे और बीमारी तेजी से फैलने लगी। एक बात आपको पता है, अभी मैं एक दिन कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था, किसी ग्रामीण क्षेत्र का
किसी ने लिखा था न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर में, वहाँ उसके 5 बच्चे रहते हैं, माँ बाप रहते हैं। अब खाना खिलाने के लिए बच्चों को उनके पास कुछ राशन नहीं बचता है, माँ बाप सुसाइड कर लेते हैं दोनों, उनके 5 बच्चे रह जाते हैं। वहाँ के माननीय जो विधायक जी हैं, वो मरने के, दोनों के माँ बाप के मरने के बाद पहुँचते हैं विधायक जी, और विधायक जी आप जानते हैं अपनी राजनीति की रोटी सेंक कर चले जाते हैं। उसके बाद उन गरीब बच्चों की खबर लेने के लिए कोई नहीं आया। मैंने 2-4 बार देखा वहाँ कि लोग, मतलब क्या बात चल रही है, अब न्यूज में बची हुई है वो न्यूज या नहीं। तो हाल में अगर उससे पहले, मरने से पहले अगर विधायक जी की कृपा हो जाती और वो जाकर उनकी मदद कर देते तो मरने की नौबत ना आती। शायद विधायक जी भूल गए, अगर विधायक जी अपने आप को उस जगह रखते तो शायद मन में दहल उठती उनका मन, लेकिन नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो भूल जाते हैं, इंसान है, शायद भगवान की गिनती में रखने लगते हैं। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मरना जाना सबको है, आज उनकी बारी है, और उनकी इसलिए बारी है क्योंकि उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। 20 लाख करोड़ रुपए, कितना, 20 लाख करोड़ रुपए हमारे प्रधानमंत्री ने 3 से 4 बार बोला ये शब्द। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि ये सही बात है और आगे इसका फायदा भी होगा देश को, हमारे भारत को। लेकिन अभी हाल में आप सोचिए क्या जरूरत थी, रिक्शा वाले को डायरेक्ट पैसे की जरूरत थी, जो डेली का पैसा कमाता था, खर्च करता था, उसे हाल में जरूरत थी पैसे की, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जरूरत थी। ये बाद में सुधार होते रहते हमारी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अगर आपको दिखावा लगे तो उन रिक्शा वालों की जगह अपने आप को ठूंस के रखिएगा, ठीक है, रखकर देखिएगा, फिर सोचा करिएगा, तो वहां सोच भी खत्म हो जाएगी आपकी। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर भगवान अभी भी सच में सजा देते हैं तो इन जो मोह बच चलाते हैं ना एसी और पंखों में बैठकर, उनकी वो हाई होगी कि वो तो ट्रेन के आगे कट के मरे, उसमें कोई शक नहीं, 2-4 10 मिनट में सांस छिन गई होगी, लेकिन तुम सड़ सड़ के मरोगे, फिर चाहे उस जगह मैं हूं या कोई भी। एक जगह भूख से मर रहा है कोई व्यक्ति, दूसरी जगह हम अपना ज्ञान पील रहे हैं, शर्म शर्म भरम कुछ बची ही नहीं है, मानवता कुछ रह नहीं गई है, इंसानियत कुछ भी नहीं है, सब दिखावे दिखावा दिखावा। आगे बात करते हैं, अनुमान है कि हर हफ्ते लॉकडाउन की वजह से लाखों भारतीय गरीबी ने एक रेखा के नीचे चले गए। इस पर सब संभ्रांत वर्ग का जवाब होता है कि सरकार को उनका ख्याल रखना चाहिए, देखो अमेरिका विस्थापित कामगारों पर कितना खर्च कर रही है, बे नहीं सोचते हैं कि भारत में औसत आय अमेरिका की तुलना में केवल 8.3%, कितनी है, 8.3%। याद रखिए भारत में और अमेरिका में जमीन आसमान का फर्क है, जब वो हिल चुका है देश तो हमारी वक्त क्या है, ठीक है। चीन भी आपसे कई गुना स्थिति सही स्थिति है उसकी, ठीक है, याद रखिए। और अमेरिका ने बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डायरेक्ट पैसा भेजा है अकाउंट में, जापान ने भी आपका ये काम किया हुआ है, ठीक है। किसी भी देश की ब्यूरोक्रेसी जिसमें बहुत अमीर देश भी शामिल है, करोड़ों कामगारों को अचानक पलायन के लिए तैयार नहीं है, यह विडंबना है। यह है कि भारत आजादी के बाद की सबसे बड़ी मंदी की ओर बढ़ रहा है, और आर्थिक दबाव ने कोरोना मामले बढ़ने के बावजूद अनलॉक के लिए मजबूर किया। घर लौटते वहां जाकर पॉजिटिव आ रहे प्रवासियों की दुर्दशा को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। जब मैं यह लेख लिखने बैठा तो रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी, बाहर अचानक गुस्से में चीखने की आवाज आई, यह प्रवासियों का समूह था जो पास की झुग्गी झोपड़ी से आए चोरों के हमले से बचने की कोशिश कर रहा था। मैं आशा करता हूं कि वे सुरक्षित घर पहुंच गए होंगे, लेकिन लॉकडाउन वाली जिंदगी से प्यार, यह प्यार बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। इंसान बनकर कभी सोचा करिएगा, मोबाइल सोबाइल इस दुनिया से निकलकर कभी अपने आप को 10 से 15 मिनट के लिए अकेले में ले जाया करिएगा, और उनकी जगह अपने आप को रखा करिएगा, फिर सोचा करिएगा कि कितना ज्ञान भरा हुआ है आपने, ठीक है। मैं किसी पार्टी से ना तो मुझे लेना देना है, क्योंकि मेरा खाना ना तो मुझे कोई पार्टी दे रही है, ना ही मैं किसी पर निर्भर हूँ, किसी से आशा कर रहा हूँ पार्टी से, तो इसलिए अपने आप को सोचा करिएगा।
सही क्या है गलत है। मैं नहीं कहता हूं कि तुम कांग्रेस की भक्ति मत करिएगा, करिएगा, लेकिन सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में भी तो सोच लिया करिएगा। बीजेपी की भक्ति करिएगा, नेताओं की भक्ति करिएगा, लेकिन उसमें आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है। क्योंकि हम जब भक्ति करने लगते हैं, किसी संत को मानने लगते हैं, आपने देखा है अक्सर कि कई संतों को हमने माना, उन्हें हमने भगवान समझा, वही क्या निकले, दुष्ट दुष्ट दुराचारी निकले, दुष्कर्मी निकले, बेशर्मी निकले। और फिर भी आज भी लोग कहते हैं कि हमारे संत ऐसे नहीं हो सकते। तो ये सही बात है, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम जब किसी की भक्ति में डूब जाते हैं तो उसके अंदर की बुराइयां भूल जाते हैं, सिर्फ हमें अच्छाइयां दिखती हैं। आप लोगों को बताना है पीएम फंड का खुलासा होना चाहिए था या नहीं, इसे आरटीआई के दायरे में आना चाहिए था या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। ठीक है।